तो जनाब यार बात ऐसी है कि सफ़र शुरू हो रहा है एंड ये यार यहाँ की एंट्रेंस है जनाब। यार यहाँ से आपको टिकट मिल जाएगी, ये आप लोग देख सकते हैं 110 लीरा की मिली है हमें। तो भाई सफ़र यहाँ से शुरू होएगा, अभी इधर बैग चेक करवाना है। तो ये इधर भाई बैग चेक हो गया। तो भाई सफ़र शुरू करते हैं एंड ये इधर का, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, ये वाइट एयर वोल्कानो की वजह से हुआ है कहा जाता है सारा। पहले इधर वोल्कानो हुआ था ब्लास्ट शायद, और कहा जाता है चलने में थोड़ी दिक्कत आएगी यार, फिसलन है। बट एनीवेज कोई नहीं, अभी तो शुरुआत है, बाकी चल के देखते हैं नज़ारे। अभी फ़िलहाल धूप भी अच्छी है बट रात को इधर भी ठंड हो जाती है, लेकिन अभी धूप सही है, मैंने जैकेट उतार रखी है तो एक नंबर। और यार ये शाम को 7 बजे बंद हो जाता है यहाँ पे, तो टाइम से आ जाना ताकि सारा घूम लो और फिर वापस आ जाओ आप लोग, पूरा टाइम खुला नहीं रहता ये जगह। तो यार यहाँ से भाई जूते उतारने पड़ेंगे शायद, जूते नहीं लेके जाने दे रहे हमें, तो जनाब पैदल चल के जाना पड़ेगा। जूते जेब में रखने हैं या तो अभी देखते हैं जूते का क्या इंतज़ाम होता है, एक मिनट यार। तो इधर भाई हमें पैदल चल के जाना है, गजब एक नंबर, चिट्टा दिख रहा है सारा पूरा। और इस तरफ देखो मिट्टी है और इस तरफ ये ऐसे वाइट हो गया, वाह। ये भाई रहने की जगह दिख रही है, मजाकिया गजब। और इधर यार पानी पानी भी है, लोग कहते हैं यार स्लिपरी, अभी तक तो नहीं फिसलन हो रही है बट शायद हो सकता है फिसले आगे जाके। तो यार बिल्कुल ये चिट्टा दिख रहा है यहाँ पे, वाह एक नंबर। तो यार जौन सी जगह सल्फर था ना, वहाँ कुनाशिर में कुरिल के आसपास, वहाँ पे भी ऐसे वाइट वाइट दिखता था थोड़ा ग्रे के साथ मिक्स, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा फ़र्क है, यहाँ पे ज़्यादा प्योर वाइट है। आप लोग इधर इस तरफ देखेंगे तो वाह, बाप रे। एंड ये अलग अलग यहाँ पे बहुत सारे टेक्सचर बने हुए हैं इधर स्टार्टिंग में ही, बाकी आगे चल के और खूबसूरत होता जाएगा तो मैं आपको आगे चल के दिखाऊँगी। और यार तो यहाँ पे बिल्कुल ये चिट्टे केमिकल के बीच में ये भाई छोटी सी घास उग रखी है, और कुछ इस तरफ भी है। कुदरत भी भाई अजीब ही है, कहीं पे भी जहाँ मौका मिले थोड़ा सा भी वहीं आपको पेड़ पौधे दिख जाएंगे। मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है ऐसी जगह पे हमें, जो यहाँ पे बिल्कुल ये केमिकल्स हैं बिल्कुल पूरे, वहाँ पे पौधा उग रखा है और एक सामने तो पेड़ भी है। चलो उस तरफ फिर भी मिट्टी है कोने में, लेकिन यहाँ पे बीचों बीच गजब यार, सर्वाइवल बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई कुदरत का सच में। अब यार ये जगह क्रॉस करनी है, देखें फिसले ना हम, और फिर वाओ ये देखो यहाँ पे है कीचड़ जैसा है, चिकना चिकना है, तो बट कोई नहीं सही है। तो यार जनाब अब आप देख सकते हो कि ऐसे ये जो पूल हैं पानी वाले अब शुरू हुए हैं, एक यहाँ पे है एक वो रहा, फिर नीचे ऐसे हैं जैसे हम देखते हैं ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम पे यही फ़ोटोज़ होती थी। तो यहाँ पे भी सब यार लगे हुए हैं फ़ोटो वगैरह खिंचवाने के लिए, और इस तरफ यार कुछ ऐसे दिखता है। एंड पहले मैं सोच रही हूँ कि यार वो क्या कहते हैं उसको, एक बिल्डिंग सी है यहाँ पे वो देखाऊँ एंड उसके बाद वापस आके तैरेंगे, तो ये सोच रही हूँ मैं फ़िलहाल। बट एनीवेज अभी इधर अब रश होते जा रहा है, बट कोई नहीं, इधर बहुत सारे लोग दिख रहे हैं आपको वो। तो यार ये मेरे को भाई दशिया की याद आ रही है एकदम से, ऑफ कोर्स गर्म है ये वाला पानी,
नीचे जाते जाते ठंडा हो जाता है, बट अभी गर्म है इस तरफ तो। अरे यार ये बहुत चुभ रहे हैं इधर, ये बना हुआ है एंड वो एकदम से हरा कलर भी दिख रहा है एंड वही बदबू या स्मेल जो भी आ रही थी वो पूरे आइलैंड में भी ऐसी अजीब सी वही यार स्मेल आ रही है। तो ये हॉट स्प्रिंग है इधर, तो इधर भाई लोग घुसे हुए हैं एंड तैर रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। सही है, दूसरी बार है ये मेरा जो मेरे को ये सल्फर का हॉट स्प्रिंग मैंने देखा, दूसरी बार ऑलमोस्ट। यार मैं पैदल चल के आई हूँ इतना, तो भाई 2 मिनट मैंने कहा कि अभी बैठूं, तो यार ये पानी पता नहीं कहाँ से अंडरग्राउंड आ रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा। ठीक है ये देखो यहाँ पे बंद है, कोई पानी का रास्ता नहीं है इस तरफ, लेकिन और ये लक्कड़ की स्टेयर्स है यहाँ पे है ना हमारे सामने, लेकिन इधर से भाई पानी आ रहा है और यही है सल्फर वाला पानी। मैंने हाथ लगा के देखा, थोड़ी थोड़ी स्मेल आ रही है, सल्फर की ज़्यादा नहीं आ रही, बट यहाँ से कहाँ से मेरे को लगता है अंडरग्राउंड, या तो ये खुद नेचुरल पानी है अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे है सल्फर, या पता नहीं यार स्पेशल सप्लाई है भगवान जाने। वैसे नेचुरल होगा ऑफ कोर्स, और ये इस तरफ एक हल्की है लेकिन इस तरफ ज़्यादा पानी नहीं है, तो दोनों तरफ डिवाइड हो रखा है जनाब। एंड बाहर बहुत सुंदर दिख रहा है आपको, ये शायद सूरज की वजह से वो धुंधला धुंधला दिख रहा है, फॉग नहीं है वो, बट वाओ सही है। एंड ये सामने यार हिस्टोरिकल प्लेस है कोई, चल के देखते हैं। तो यार जनाब जैसा मैंने बोला कि इस जगह आ रखे हैं हम है ना, तो ये इसकी हिस्ट्री है भाई। तो ये मेडिवल फोर्ट्रेस है, 13 सेंचुरी के आसपास बना था, और 14 सेंचुरी को अर्थक्वेक की वजह से भाई एबेंडन हो गया था ये, एंड उसके बाद ओटोमान के टाइम इसको खेती बाड़ी वाले लोग शेफर्ड वगैरह यूज़ करते थे। तो सीधी सादी शॉर्टकट में ये स्टोरी थी इसकी, एंड अंदर चल के देखते हैं भाई अब इसमें क्या बचा है अर्थक्वेक के बाद, कि अर्थक्वेक ने इसका राम नाम सत्य कर दिया। तो इधर से आपको पामू काले दिख रहे हैं, और इधर से दीवार दिख रही है फोर्ट्रेस की, एंड ये पार्क बना दिया इस तरफ। यार तो ना मेरे को ना आप लोगों से एक बात करने का मन कर रहा था, बड़ा टाइम हो गया। पिछले 3 महीने में मैं थी अल्बानिया, मोंटीनिग्रो और सर्बिया में, और अब हूँ मैं तुर्की में। आप लोगों ने मेरी वीडियोस में देखा ही होगा ना, मैंने ज़्यादा वीडियो बनाई एंड जो बनाई वो भी ओके थी, ठीक है। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे यहाँ पे इतना घूमने में मज़ा नहीं आया यार। मैं 3 महीने मैंने बहुत कोशिश करी कि ये बात ना बोलूँ मैं, बट समहाउ देखो ट्रैवलिंग हर जगह सही होती है, ठीक है। ट्रैवलिंग मुझे ओके, ठीक है, अगर मुझे सिर्फ यहाँ पे घूमना है नो प्रॉब्लम, अगर मैं बोर हो रही हूँ या खुश हूँ या दुखी हूँ कोई बात नहीं, ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग होती है एंड हर चीज़ एक्सपीरियंस होता है। तो एक्चुअली आप लोगों ने उन वीडियोज़ में सच में देखा कि मैं यहाँ पर बोर हो रही थी, ठीक है, वो भी एक ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस है। अब मैं ज़बरदस्ती काउच सर्फिंग से 2 लोगों को बुला के एक्स्ट्रा, या 4 लोगों को बुला के कुछ क्लिक बेट टाइप का, या स्पेशल नहीं करना चाहती थी कि जिससे ये कुछ एंटरटेनिंग बने ये वीडियोस। मैं सच में 3 महीने बोर हुई हूँ एंड आपने 3 महीने ये मेरी ट्रैवलिंग की ऑलमोस्ट बोरिंग वीडियोस देखी। देखो कुछ लोगों को ये एरियाज बहुत पसंद आ सकते हैं हद से ज़्यादा, एंड नो डाउट अबाउट इट, जगह में कोई कमी नहीं है। अब बात यह है कि हर बंदे को हर जगह 100% नहीं पसंद आती, जैसा मैंने बोला जगह से मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन कभी कभार इंसान बोर भी कहीं पे हो सकता है, एंड मेरे लिए ये कुछ जगहें ऐसी हैं इस टाइप की हैं। पता नहीं क्यों मैं 10 बिल्डिंग को बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखा सकती, ये बिल्डिंग है 10 बिल्डिंग है, आप लोग देख लो खुद ना, कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है ना, लोग इंटरेक्ट करते हैं यहाँ पे, हेलो बाय बस इतनी बात होती है। तो जो हो रहा था वो आपने बिल्कुल सच देखा, 100% लाइक प्योर, जो भी वीडियो में देखा
तो मैं यही बात खुद बोलना चाहती थी आप लोगों को. ऑफकोर्स आप लोगों ने देखा है वीडियोस, बट मैं खुद अपनी ज़ुबान से बोल के बताना चाहती थी कि जो आप लोगों ने फील करा मुझे सेम वैसा फील हो रहा था एंड अभी भी हो रहा है ऑलमोस्ट. बट यहाँ पे थोड़ा ऑलमोस्ट तुर्की में ठीक है हिसाब, इतना बुरा हाल नहीं है जितना पिछले देशों में था. बट एनीवेज इधर थोड़ा मज़ा आ रहा है बातचीत करने में. आज इतनी बढ़िया फैमिली मिली, आप लोग भी वीडियो देख के हंस रहे हो गए. बड़ा हंसा आया यार उन्होंने बातें मार मार के. बट एनीवेज यही बात करनी थी मैंने. अब बाकी अगला यार हम जा रहे हैं अफ्रीका की तरफ, तो एडवेंचर दोबारा से. मैं सोच सोच के बहुत खुश हूँ. ठीक है, मेरा मन था सर्बिया मोंटेनिग्रो से निकलने का अफ्रीका की तरफ, बट फ्लाइट बहुत महंगी थी तो मैंने एक तुर्की का ये रिस्क लिया. मैंने कहा तुर्की चलते हैं एंड तुर्की से फिर फ्लाई करेंगे, तो गजब. एंड यार ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि मैंने अभी 3 मिनट आप लोगों से बात करी. स्क्रीन में टाइम दिख रहा है 3 मिनट, तो यही आप लोगों से आज बात करी. ये सच में मैंने अभी ना मेरा बैठ के मन कर रहा था कि आप लोगों से थोड़ा इंटरेक्ट होए, थोड़ा बात करूं कि मुझे कैसा फील हो रहा था पिछले 3 महीने में. बिल्कुल आई वॉज टोटली लाइक लॉस्ट, यू नो. मेरे को बिल्कुल मैं घुल मिल नहीं पाई इस सोसाइटी में, पता नहीं क्यों. इट्स वेरी लाइक नैरो सोसाइटी आई विल से. दे आर नॉट वेलकमिंग. अगर आप इनके जैसे नए नहीं हो तो इट वॉज़ नॉट वेरी वेलकमिंग. बट कोई बात नहीं, कुछ लोग ज़्यादा वेलकमिंग होते हैं, कुछ लोग कम वेलकमिंग होते हैं. अब दुनिया ऐसे ही चलती है. अगर हर बंदा सेम हो गया तो फिर क्या मज़ा यार. अगर हर जगह आपको खुशी मिले ट्रैवलिंग करने में तो आपको पता कैसे लगा कि आप ट्रैवलिंग में बोर भी हो सकते हो. तो ये भी तो बात है. एंड बहुत बात कर ली, 4 मिनट हो गए भाई. बाय बाय, अभी नहीं और बात करती, मैं आपको जगह दिखाती हूँ. तो यार जनाब मेरे को लगता है ये इस तरफ म्यूज़ियम है, कुछ पुराने ज़माने की चीज़ें जो आर्ट वर्क है वो रखा हुआ है इधर, तो आप लोग देख सकते हैं. यहाँ से शुरू करते हैं जनाब. तो यार ये इस तरफ ये रखा हुआ है एंड डिस्क्रिप्शन भाई ये रही. टाटा कैरिंग वाटर कप. कहाँ है यार कप भाई? अच्छा लड़की तो दिख गई मुझे. अच्छा कप बनाना भूल गया बंदा यार यहाँ पे. कप ही नहीं बनाया उसने. हाय रब्बा, कोई बात नहीं, चलो अगली जन्म में मैं बनाऊंगी तो मैं कप जरूर बनाऊंगी वहाँ पे. ट्रे बना दी, कप नहीं बनाया. ओए ये यार ये क्या है, ये दफनाना है किसी को? हाँ भाई साहब, शायद मेरे को तो दफनाने का ही लग रहा है, पता नहीं. ये पढ़ सकते हो डिस्क्रिप्शन. ये इसकी डिस्क्रिप्शन है. ये भी वैसे सही है यार, या तो नहाने की जगह है या दफनाने की जगह है. और ये टॉम्ब है कोई, तो ये भाई ये टॉम्ब है. एंड और ये स्टैचू ऑफ अ वुमेन. ये इसमें सर बनाना भूल गया बंदा, सब बना दिया उसने, सर नहीं बनाया. इधर भी सर नहीं बन रखे हैं. और ये मेम साहब फोटो ले रही हैं अपनी. और इधर एक और दफनाने की जगह. और ये सारे एक जैसे ही दिख रहे हैं यार, फटाफट देख के हथ पासे मारे हैं हम. स्टैचू ऑफ अ वुमेन अगेन. तो ये रहा, सही है, सब एक जैसे दिख रहे हैं, सब आर्ट वर्क है ये, बहुत गजब. लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें सर कहाँ गए? या तो गुम हो गए, ये था इसमें, गुम हो गए. इसमें है अभी भी, गुम नहीं हुआ. ऐसी बात नहीं है, मैं मजाक कर रही थी ऐसे ही. आर्ट वर्क बहुत गजब है, बहुत सुंदर है, बहुत मेहनत लगी होगी, बट आधे अधूरे हैं शायद लड़ाई के टाइम, या बहुत पुराने हैं तो टूट गए, गुम हो गए. बट बहुत अगर आप देखेंगे तो बहुत बारीकी से काम कर रखा है, आर्ट बहुत सुंदर है ये, एक नंबर. मैं तो ऐसे यार मजाक कर रही थी, आप लोग भी हंस दो. अब दिल पे मत ले लेना,
थोड़े बहुत जोक मारे हैं मैंने, कहते थे ना बोरिंग वीडियो, मैंने कहा जोक मार दूं एक दो, मैं थोड़ा एंटरटेनिंग बना दूं। ये क्या है पता नहीं यार, ये क्या है, अपनी अंग्रेजी इतनी बढ़िया नहीं है, कमेंट में बता दीजिए। ये ऐसा कुछ दिख रहा है, सही है यार, बहुत सुंदर है ना, आप ये 270 डिग्री व्यू देख सकते हैं, एक नंबर है। तो भाई थोड़ी बहुत ही चढ़ाई कर रही है, ज़्यादा तो नहीं। एंड ये कुछ यहाँ पे बोर्ड दिखा है बना हुआ, और इधर पहुँची यार मैं, आप देखो ऐसे जगह दिख रही है, ये इधर थिएटर बोलते हैं इसको, तो अभी थिएटर चल के देखते हैं क्या कंस्ट्रक्शन है इसकी। सामने है बिल्कुल, आप लोगों को दिख रहा होगा ये रहा। तो यार फाइनली भाई थिएटर की तरफ पहुंच गए हम, ठीक है। एंड मैं क्या बताऊँ, चाहे टूरिस्ट एरिया है बहुत ज़्यादा, लेकिन नज़ारे एक नंबर दिख रहे हैं, आप लोग खुद देखिए। वाओ, मैं इमेजिन कर रही हूँ कि ये पहाड़ के ऊपर आके लोग यहाँ पे लाइन बना के बैठते थे इधर इस पे सीढ़ियों पे, जैसे ऑफ कोर्स हम भी बैठे हुए हैं। एंड भाई यहाँ पे आके कुछ परफॉर्मेंस देखते थे, क्या मज़ा आता होगा यार लोगों को उस ज़माने के। अब ये देखो, वाओ मैं यार इस टाइप के थिएटर में एक बार अपनी ज़िंदगी में कोई लाइव परफॉर्मेंस देखना ज़रूर पसंद करूँगी। और अभी इसकी हिस्ट्री थोड़ी देर तक आपको बोर्ड से पढ़ के मैं बताती हूँ, बट एनी वेज यार सही है, अगर यहाँ पे कोई परफॉर्मेंस हो रही होती तो मज़े आ जाते। तो यार वो लोग नीचे बैठ के तालियां मार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और हवा और आवाज़ सॉरी गूंज रही है, सही है, गजब है, मज़े ले रहे हैं लोग ज़िंदगी के। वाओ, तो भाई समहाउ कहा जाता है कि यार इटली के लोगों ने बनाया था इसको, ठीक है, एंड उसके बाद इसको किसी ने भाई यूज़ नहीं करा, और उसके बाद टूट फूट गया था, फिर तुर्किश अथॉरिटी ने इसको रीबिल्ड करा, थोड़ी थोड़ी जो कमियां थी वो ठीक करी, एंड उसके बाद 1988 में ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड हुआ था। तो ये इसकी हिस्ट्री थी, इटालियन आर्किटेक्चर है ये, और बस यही, और ये लिखा हुआ था एक स्पेशल से कि जो उस टाइम की अथॉरिटी थी उनके लिए मार्बल की गद्दियाँ होती थी, मार्बल के थ्रोन, ऐसा कुछ लिखा हुआ था, तो ये बोर्ड पे लिखा था। बाकी किसी को और कुछ ज़्यादा पता है इसके बारे में तो बता दीजिएगा। नज़ारे देख सकते हैं यार यहाँ के, आज मस्त दिन निकला मेरा यार, घूमा फिरा एंड मौज मस्ती। ये है यार क्ले कहते हैं जो, ये वाइट वाइट ये है नीचे, ये सारा देखो पानी हिल, जब मैं चलती हूँ तो पूरा वाइट हो जा रहा है पानी। तो यार एक आप देख सकते हैं इस तरफ है पूल ऐसा ही, सामने मैं एक इस वाले में हूँ, तो इधर भाई ये नज़ारे हैं। और अब वापस चलते हैं यार, बहुत घूम लिया, बहुत पैदल चल लिया, एंड आई थिंक इतना ही बहुत है, कपड़े वगैरह गीले हो गए तो टांग के अब सुखाने पड़ेंगे, सबसे पहला काम ये भी है, बट कोई नहीं, सही है, सब बढ़िया है। से शाम हो रही है, बस सूरज ढलने वाला है सामने से, एंड यार इस जगह मैं बैठी हुई हूँ, वेट कर रही हूँ, ये बिल्कुल ऑपोजिट कैफ़े है, कैफ़े का नाम मुझे नहीं पता लेकिन आपको दिख जाएगा, बिल्कुल गेट के ऑपोजिट वाला कैफ़े है, एंड चाइना टाउन है शायद कैफ़े का नाम, यहाँ पे चाइनीज़ खाना मिलता है। तो अभी मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, एंड बहुत बहुत शुक्रिया यार जिसने भी वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, एंड आई होप इस बार मैंने ये टूरिस्ट एरिया कवर करा है,
जो मैं बहुत रेयरली करती हूँ, बट इस बार मैंने करा। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया वीडियो, एंड बाकी अगले वीडियो में क्या सीन बनता है देखते हैं।